Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts. So students, today we will discuss about the principles of insurance. तो उससे पहले ये आप लोग जान लीजिए कि insurance basically होता क्या है. तो insurance क्या होता है, एक contract होता है. It's a between the insurer and insured, यानी कि जो करता है और जो कराता है. And in between that, the insurer agrees to make goods the loss of insured on happening of an event इन कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट एंड दैट कॉल्ड प्रीमियम. ठीक है, यानी कि उसको जो भी कंपनसेशन चाहिए होता है, तो वो क्या जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम क्या होता है, जो आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली जो देते हैं वो, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम. और यही जो एग्रीमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये रिटन बेस्ड होता है एंड दिस इज नोन एज द इंश्योरेंस पॉलिसी. ओके, सो द इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी इसमें कुछ दिए गए हैं, जिसमें इंश्योरर हमने अभी पढ़ा कि क्या है. ये is the individual or firm known as insurance company which agrees to compensate the loss of insured. okay, insured kaun hota hai, is the individual or firm who gets compensation of loss, yani ki usko koi bhi agar loss hua hai to usko kya milega, compensation milega. theek hai, that is called compensation and insured pays regular amount of premium. happening of the event, it refers to the subject matter of policy or the kinds of losses covered under the policy, यानी कि जिस policy के under में आपका जो भी loss है वो compensation है वो cover हो रहा है. ठीक है, for example, in fire insurance, the loss is compensated only if it is due to fire. okay, next आता है premium. okay, तो it refers to an amount paid quarterly. अभी मैंने आपको बताया है कि premium में क्या होता है, quarterly, half yearly और annually. ठीक है, कौन पे करता है, इंश्योर्ड पे करता है, किसको, तो इंश्योरर को. और क्या देता है, जो भी कंपनसेशन होता है वो उसको मिलता है. ओके, नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है. कभी कभी ये डायरेक्टली भी पूछा जाता है एंड कभी कभी जो है आपको सिचुएशन दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है. ठीक है, उसके बेसिस पे आपको वो बोला बता पूछा जाएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि इसका प्रिंसिपल बताइए और उसको एक्सप्लेन करिए. तो इसको डायरेक्टली पढ़ना, डायरेक्टली भी अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा और साथ में इसका जो एग्जाम्पल है उसको भी समझने की कोशिश करिएगा कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि सीबीएसई में स्पेशली जो क्वेश्चन है वो थोड़े एनालिटिकल ही आते हैं, वो कभी डायरेक्टली क्वेश्चन जो है इंश्योरेंस के नहीं पूछता है. ठीक है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा. ये 4 to 5 marks का क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. देखिए, नाम से ही समझ आ रहा है कि अटमोस्ट गुड फेथ मींस कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, फेथ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसके बीच में, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड. इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड किस पे होता है, फेथ पे. ठीक है, द इंश्योर एंड इंश्योर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल फैक्ट्स टू ईच अदर एंड बोथ द पार्टी शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम ईच अदर. यानी कि जो भी इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें इंश्योर एंड इंश्योरर क्या है, कोई भी बात किसी से नहीं छुपा सकते. जो भी फैक्ट्स है वो एक दूसरे को बताना बहुत जरूरी है. अगर इंश्योर्ड जो है कोई भी अगर मटीरियल फैक्ट को छुपाता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो और इंश्योरर को बाद में जब वो पता चलता है तो वो क्या कर सकता है, वो जो भी कंपनसेशन होगा, आपका लॉस होगा, वो उसको पे करने से मना कर सकता है या रिफ्यूज कर सकता है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. आइए इसके एक बार एग्जांपल पढ़ लेते हैं. देखिए, एग्जांपल के लिखा है कि इफ अ पर्सन हैज टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज अ हार्ट पेशेंट एंड लेटर ऑन इफ द इंश्योर डाइज ऑफ अ हार्ट अटैक, then the insurance company can refuse to pay the compensation because the material fact was hidden by the insured. तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि अगर आप जैसे उसने क्या किया कि अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लाइफ इंश्योरेंस में उसमें क्या है कि अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है या कुछ आपको डिसीज है, आपको सब चीज क्या है उसको बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको क्या दे रहा है, कंपनसेशन दे रहा है कि आपको अगर कुछ हो जाता है तो हमारी जो कंपनी है या हमारी जो पॉलिसी है वो आपको कंपनसेट करेगी. लेकिन अगर उसने एग्जाम्पल में कह दिया कि उसने ये बात छुपा ली कि उसको क्या था, हार्ट पेशेंट था वो, और उसकी वजह से क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, अब उसके उसका कोई भी कंपनसेशन उसको नहीं देगी. क्यों, क्योंकि उसने ये डिसीज जो है वो उस लाइफ पॉलिसी के इंश्योरेंस पॉलिसी के उसमें उसने उसको हाइड किया था. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी. विदाउट टेकिंग इंटरेस्ट इन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ गैम्बल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एंड लॉ डज नॉट परमिट इट. In case of life insurance, the insurable interest comes with the relation of insured with the person taking insurance policy. Okay, ठीक है, तो
इसमें देखिए क्या एग्जाम्पल दिया है कि एक पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज स्पाउस और फॉर हिज एंड हर चिल्ड्रन, बट ही एंड शी कैन नॉट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ स्ट्रेंजर. In case of fire insurance, the insured must suffer a financial loss if the subject matter is damaged to prove the interest, or he must know be the owner of the subject matter. देखिए insurable interest का मतलब क्या हो गया कि जो insured है, ठीक है, the insured person must have an end कि उसको क्या होना चाहिए कि एक interest, insurable interest होना चाहिए उसके अपनी insurance policy में, ठीक है, क्योंकि अगर वो if he is not taking any interest in the insurance policy तो ये क्या होगा, law उसको बिल्कुल permit नहीं करता है, ठीक है. Okay, now come to the next is principle of indemnity. According to this principle, insurance is not a contract of making profit. The purpose of insurance is to bring back the insured in the same financial position as he before the loss. देखिए indemnity का मतलब क्या हो गया कि principle क्या, वो principle जो indemnity है वो क्या बोलता है insurance, कि insurance is not a contract of making profit, यानी कि जिसमें दो लोग का contract होता है, एक insured और एक insurer. तो वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो कंपनी अपना प्रॉफिट बना रही है, नहीं. तो पर्पस ऑफ इंश्योरेंस कराने का पर्पस क्या होता है कि इस टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस, यानी कि अगर उसको जो भी लॉस हुआ है उससे पहले वो जैसे भी था वो थोड़ा कंपनसेट कर सके, ये उनका उस इंश्योरेंस कंपनी का मेन मकसद होता है, ठीक है. तो क्या प्रिंसिपल एडमिनिटी क्या कहती है कि इंश्योरेंस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. ओके इसके एग्जांपल समझ लेते हैं. क्या है कि इसमें बोला कि पर्सन इंश्योर्ड हिज फैक्ट्री फॉर 2 लाख अगेंस्ट फायर. एक पर्सन था, उसने क्या किया अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया 2 लाख रुपीज का अगेंस्ट फायर, कि कभी अगर आग वाग लगती है कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करेगी, कंपनसेट करेगी. ड्यू टू फायर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट हिम 1 लाख ओनली एंड नॉट द पॉलिसी अमाउंट दैट इज 2 लाख, बिकॉज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू कंपनसेट फॉर लॉस नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट. यानी कि उसने क्या बोला कि अगर आपको जितने का नुकसान हुआ है उतना क्या करेगी, वो कंपनी आपको कंपनसेट करेगी, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपने 2 लाख का कराया तो पूरा वो 2 लाख नहीं, जितना आपकी कंपनी में लॉस हुआ होगा उतना वो कंपनसेट करेगी. ओके नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज कोरोलरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिटी. According to this principle, if a person has taken more than one insurance policy for the subject matter, then all the insurers will contribute the amount of loss and compensate him for the actual amount of loss. Okay. Separately, he cannot claim total loss from each insurer. The insurer contributes to the total loss in proportion to the amount assured by each. Okay. Principle of contribution क्या बोलता है कि if a person has taken, यानी कि अगर कोई भी person क्या करता है, एक से ज़्यादा policy लेता है किसी एक भी चीज़ के लिए, ठीक है? तो दैट इंश्योरर विल कॉन्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस एंड कंपनसेट जो भी होगा उसका अमाउंट, ठीक है, जो भी लॉस होगा उसको क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट पे उसको कंपनसेट किया जाएगा. सेपरेटली ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरर, यानी कि वो सेपरेटली किसी भी इंश्योरर को टोटल लॉस के लिए क्लेम नहीं कर सकता. ओके एग्जाम्पल देखिए इसका क्या लिखा है कि पर्सन गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 1 लाख विद इंश्योरर ए एंड 50,000 फ्रॉम इंश्योरर बी. यानी कि एक पर्सन ने क्या किया अपना हाउस को इंश्योरेंस करवाया अगेंस्ट फायर, तो 1 लाख उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी से कराया एंड 50,000 का उसने अलग एक इंश्योरेंस कंपनी से कराया. ए लॉस ऑफ 75,000 अकर्ड, ए ने कितना उसको कंपनसेट किया 75,000, देन ए इज लायबल टू पे 50,000 एंड बी इज लायबल टू पे 25,000. ओके देखिए इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन. ओके सो सबरोगेशन क्या होता है कि देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन, यानी कि जब उसको कंपनसेशन मिलता है, द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड. इन अदर वर्ड्स, व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम हर और हिम, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेस टू ऑन टू द इंश्योरर. This is also a corollary to principle of indemnity, because once the compensation is given, later on if insured realizes some money by sale of damaged property, then will bring profit for him and insurance not a contract of making property. ठीक है, देखिए वही बात हो गई कि जो indemnity का क्या इसने बताया कि corollary principle है, यानी कि इसमें again वही बात बोली गई है आपको कि insurance कराना is not a contract between to earning a any profit. Okay.
प्रिंसिपल सबरोगेशन क्या कहता है कि व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस, ठीक है, यानी कि जब इंश्योर्ड क्या करता है, कंपनसेट करता है किसके लिए, फॉर द लॉस और उसकी कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो ही हैज अ राइट, ही हैज अ ओनरशिप, ठीक है, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, इंश्योरर को पास कर सकता है. ठीक है, देखिए इसमें क्या एग्जांपल दिया कि इफ अ पर्सन हैज टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्री ड्यू टू फायर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख. ठीक है, एक पर्सन ने क्या किया, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली फायर की, ठीक है, और उसको कितना उसने सफर किया लॉस, 1 लाख का, एंड ही गेट द कंपनसेशन फॉर द सेम, तो उसको कंपनसेशन भी उसके लिए उतना मिलेगा. लेटर ऑन हाफ बर्न्ड गुड्स वर सोल्ड फॉर 10,000, देन दिस 10,000 विल बी केप्ट बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉट बाय इंश्योर्ड बिकॉज इंश्योर्ड हैज ऑलरेडी गॉट फुल कंपनसेशन फॉर द लॉस. यानी कि देखिए उसने क्या बोला कि एक पर्सन ने क्या किया था, फायर इंश्योरेंस, ध्यान से समझिएगा इस पॉलिसी को स्टूडेंट्स, एक पर्सन ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी अपनी फैक्ट्री के लिए, ठीक है, उसने जब फायर पॉलिसी ली थी उसके बाद उसको क्या हुआ, 1 लाख का उसको लॉस हुआ, तो उसको क्या मिलेगा, उसके पास पॉलिसी थी तो ही विल गेट द कंपनसेशन फॉर श्योर. ओके, लेकिन उसने लेटर ऑन आफ्टर ही उसने क्या देखा कि रियलाइज दैट कि कुछ हाफ बर्न गुड्स वर सोल्ड, यानी कि ऐसे कुछ गुड्स जो थोड़े से क्या थे, जल चुके थे, वो क्या किया उसने सोल्ड किए कितने में, 10,000, देन जो उसका वो 10,000 है वो कौन रखेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी रखेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने तो उसका क्या किया, पूरा जितना जला था उसका कंपनसेट कर दिया, तो इसलिए उसका किस पे हक होगा, इंश्योरेंस कंपनी का हक होगा कि वो जितने भी गुड्स का अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखेगी, बिकॉज ही ऑलरेडी गॉट फुल कंपनसेशन फॉर द लॉस, कौन, इंश्योर्ड पर्सन. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा. ओके, सो द अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि आपने जिस भी रिलेटेड से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस करवाया है, तो उसका जो लॉस है वो भी क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड ही होना चाहिए. इफ लॉस इज ड्यू टू सम अदर कॉज देन द इंश्योरेंस कैन डिनाई टू पे द कंपनसेशन. ऑब्वियसली कि आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो अगर आप उससे रिलेटेड कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करेगी, लेकिन अगर कुछ और रीजंस होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं करेगी, कोई भी चीज कंपनसेशन नहीं देगी. ओके, फॉर एग्जांपल देखिए इसमें क्या दिया कि इफ अ पर्सन हैज टेकन मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेंडिंग द वीट बैग्स एंड ऑन द वे इफ रैट स्पॉइल द वीट देन नो कंपनसेशन विल बी गिवन बिकॉज अंडर मेरीन इंश्योरेंस द कॉज ऑफ लॉस शुड बी सी पेरिल्स एंड नॉट द रेट. On the other hand, if the rat makes a hole in the ship through which water enters and spoils the wheat bags, then compensation will be given. The loss of wheat is due to sea water. देखिए इसमें क्या बोला है कि उसने इंश्योरेंस पॉलिसी किसकी कराई थी, अपने गेहूं के बैग्स, वीट बैग्स थे उसकी. उन्होंने क्या बोला है कि अगर अगर ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि चूहे ने, रैट ने आके उस वीट को स्पॉइल कर दिया, तो वो कंपनी क्या करेगी, उसको कंपनसेशन नहीं करेगी. क्यों, क्योंकि उसने कंपनसेशन किसका कराया था, अपना मैरिन इंश्योरेंस के उस लॉस का कराया था कि जो मैं अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ अगर उसके बीच में कुछ भी हो जाएगा तो वो उसका कंपनसेट करेगी रिलेटेड टू द सी मैटर. कि अगर मान लेते हैं कि वो शिप डूब जाती, ठीक है, या उसका गेहूं उस वजह से रिलेटेड टू द मैरिनेशन अगर कुछ भी होता तो वो क्या करता है, वो कंपनी उसको पे करती, ठीक है. लेकिन अगर किसी और रीजन से आपका वीट बैग खराब हुआ है तो कंपनी उसको पे नहीं करेगी. सो द सब्जेक्ट शुड बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इन द सेम वे एज इट वुड टेक केयर विदाउट टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी. द इंश्योर्ड शुड नॉट बिकम केयरलेस ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी. इफ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू मेक अ रीजनेबल एफर्ट एंड टेक ऑल अवेलेबल प्रिकॉशंस टू सेव द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी. तो देखिए ऐसा देखिए इसका आप एग्जाम्पल समझिए तब आपको मिटिगेशन ऑफ लॉस का समझ आएगा. इफ अ पर्सन हैज टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज हाउस and fire when fire breaks out he should take all the measures to stop fire and minimize the loss rather than देखिए mitigation of loss का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लेते हैं कि आपको किसी भी तरीके का loss आपने को जो insurance लिया है किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने घर का इंश्योरेंस लिया या आपने अपनी बाइक का लिया या अपनी दुकान का लिया तो वो जल रही है तो आपने कहा इसका तो कोई नहीं, इसका तो अपना इंश्योरेंस है, जलने दो, ये तो सब मिलेगा. नहीं, मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या होगा कि अगर आपको आप यू शुड बी टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी,
आपका जिसने आप अगर आप किसी भी चीज का इंश्योरेंस कराते हो लेकिन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज का क्या करें, ध्यान रखें, प्रिकॉशंस रखें, ठीक है, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो लगाएं या आपके जिससे भी रिलेटेड चीजें होती है वो करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे सारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, आई होप कि आपको समझ आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई ऐसे प्रिंसिपल हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ आया, आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।